यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 22 मार्च के बाद एक बार फिर नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस आज से शुरू हो गई है। नई दिल्ली से सुबह 6:20 पर यह ट्रेन रवाना हुई है, जो सुबह 11:40 पर काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं शाम 3:35 पर काठगोदाम से चलकर रात करीब 8:50 पर यह ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी वापस। शताब्दी एक्सप्रेस चलने से यात्रियों में खासा उत्साह देखा गया है। पटरी पर दौड़ने लगी है शताब्दी एक्सप्रेस, रेल यात्रियों को राहत मिली है। दिल्ली से काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस रवाना हुई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस वक्त ये ट्रेन काठगोदाम के लिए रवाना हुई है, यह शताब्दी एक्सप्रेस, उस वक्त वहां मौके पर जायजा लिया है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। 22 मार्च के बाद दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस एक बार फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। मैं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और देखिए काठगोदाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे लग चुकी है। बात करें तमाम सारे जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, इसके अलावा हल्द्वानी, लालकुआं और उसके बाद काठगोदाम जंक्शन पर जाएगी। अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है और कोविड के मद्देनजर यहाँ पे तमाम सारी तैयारियां की जा रही है। यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो यात्रियों से भी बात करेंगे, सैनिटाइजेशन के कार्य के अलावा क्या कुछ किस तरीके की सहूलियत है यात्रियों के साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानेंगे इतने दिनों के बाद ये चल रही है, कितनी सहूलियत है आप लोगों के लिए जाने के लिए? काफी अच्छा है, काफी ज्यादा कह लेते हैं क्योंकि बस उससे तो बेटर ही है ट्रेन से। सेफ पा रहे हैं खुद को क्योंकि कोविड का जिस तरीके से संक्रमण का हिसाब से ट्रेन तो है नहीं, तो सेफ ही है। हाँ नहीं कि सेफ है क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारे कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन को होते हुए आप देख, हाँ सब ठीक कर रहे हैं अपने ड्यूटी वाले, अभी तक तो ठीक है। उत्तराखंड जाने के लिए सहूलियत मान रहे हैं इसमें? हाँ हाँ, कि तमाम सारे यहाँ पे यात्री जो हैं उनका यही मानना है कि बहुत सारी सहूलियत हो रही है क्योंकि बसों को लेकर खासतौर से जो एक उनके अंदर अंदेशा था। सर, कितना फायदा मान रहे हैं आप इसको उत्तराखंड के जाने? बहुत ज़्यादा फायदा है, आज तक अभी ना बस चल रही थी ना कुछ चल रहा था, अभी ट्रेन चल रही तो आज जा पा रहे अपने माँ बाप को देखने के लिए। लॉकडाउन के बाद पहली बार आप जा रहे हैं? लॉकडाउन के बाद पहली बार जा रहा हूँ। लॉकडाउन में अगर बात करें तो ये ट्रेन बंद हो गई थी, लेकिन आज से एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है और यहाँ पे देखिए सैनिटाइजेशन वगैरह का तमाम सारा कार्य किया जा रहा है कि जिससे कि संक्रमण ना फैलने पाए, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और रेलवे भी तमाम सारे एहतियातन उपाय अपना रहा है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैलने पाए। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।